हेलो एंड वेलकम बैक, वापस हम लोग आ चुके हैं स्टेट एजेंट सिमुलेटर में। अभी जस्ट मैंने अपनी वाइफ से थोड़े पैसे मांगे और थोड़े उसने मेरे को बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, क्योंकि वो काम करती है, पैसा अर्न करती है। तो मैंने उससे, मेरे पास $551 कुछ थे, अभी उसने मेरे को 2500-2700 के अराउंड पैसे दिए। सोचो इतने पैसे मेरे को दे दिए, तो हमारे पास $3,245 अभी बाकी बचे हुए हैं। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, दोबारा ऑप्शन आता है पैसे मांगने का, एक बार ये हम तो ऊपर निकल गए घर के, ये मैंने देखा नहीं था। हम लोग घर अपनी दीवार से ऊपर, छत के ऊपर निकल गए। मुझे लगा कहीं इससे गेम पर मेरे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े कि यार मैं अपनी वाइफ से पैसे मांग रहा हूँ। अरे वाह, ये तो मैंने देखा नहीं था, वॉशरूम बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर वो पॉट नहीं है, टॉयलेट वाला है ना, पॉट नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम करते भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, हम खाना कम खाते हैं, उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। अपने शरीर को हम लोगों ने साध लिया, अब वैसे ये हम पॉटी आती नहीं हमको। सामने क्या है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, फार्म भी है यहाँ पे। और लाइट, मेरे को नहीं पता था फार्म भी है यहाँ पे, एक बार चल के आता है गाइस, फार्म देख के आते हैं। तो आज का हमारा गोल क्या होने वाला है, हम लोग ना आज सबसे महंगी यहाँ की प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि बाय करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इंतजार करना है पैसे कमाने के लिए। फिलहाल इसको देखते हैं, इससे बात करके। हाय, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट कैन an old man do, I'm just sitting. Do you? Yes, I'm too old for that. I'm thinking of selling this farm. Okay, have a good day. Okay, मुझे लगा कि मेरे buy करने का option आएगा। यहाँ पर dog भी था इसका, डॉग से बात नहीं कर सकते इसके पास, मतलब ये अभी ना बूढ़ा हो चुका है तो अपना फार्म चला नहीं पा रहा होगा, रन नहीं कर पा रहा होगा। यार ये मेरे को बहुत अच्छी लोकेशन लग रही है, बट ये मेरे को बेच तो नहीं रहा है। इसके पास फार्म में चिकन वगैरह हैं कुछ, एक मेल मेरे को आ रखा है, एक बार मेल पढ़ते हैं किसका है, क्या मेल है, क्या इसको खरीदने का ऑप्शन आ रहा है। न्यू कार इज अवेलेबल, न्यू कार देख के आएंगे हम लोग, बट पहले ये देखो। मगर अंदर चले गया तो बाहर आने के लाले पड़ जाएंगे, वहां से मैं फंस जाऊंगा गेम के अंदर में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ से जा पाएंगे बाहर। नहीं नहीं, कूद के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अब अपना छोटा हाथी निकल के यहाँ से हम लोग चलते हैं। फार्म तो हम लोगों ने देख लिया, अभी हम यहाँ से तो निकल ही जाते हैं, गाड़ी देख के आते हैं पहले, क्योंकि आज का दिन मुझे ना कैसे भी करके बिताना है। वैसे हम सो सकते हैं, कल हम लोग चलेंगे मॉर्निंग में गाड़ी देखने, कल ही चलेंगे गाड़ी देखने पे, और कल ही हम लोग जाएंगे अपना जो किराया वो वसूल करने। जब किराया वसूल करेंगे, पैसे आएंगे, उनको सिर्फ हमको सेव करके रखना, अभी हमको कुछ भी खर्च नहीं करना। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है, मैं एक बार वाइफ से वापस से बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कुछ ऑप्शन आएगा यहाँ पे पैसे वैसे वाला। $259। ओके, तो मुझे लग रहा है कि जितना देर में मैं इससे पैसे मांगूंगा, इतना ज़्यादा पैसे इसके पास होंगे, जो कि ऑब्वियसली बात है, मतलब यार उतने देर तक उसने सेव करके रखे होंगे तो वाली बात है। फिलहाल अब यार मैं बार बार ये बटन क्यों प्रेस कर लेता हूँ, मेरे को कार फॉर सेल की आदत पड़ी रहती ना। तो ये हमारा ऑफिस है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, गंदा पड़ा रखा है यहाँ पे। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में इसको अपग्रेड किया था और अभी ये बहुत सही हो चुका है। ओह शिट, मैंने मेटल में डाल दिया उसको, ग्लास था ना, एकदम से ध्यान नहीं आया। ओके, तो यहाँ पर सारा कुछ क्लीन है और अब हम चल रहे हैं। एक बार गाड़ी देख के आ रहा हूँ फट से, गाड़ी वाला किधर है, वो शोरूम आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ओके चलिए, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं आगे, यहीं पर हमारा वो शोरूम भी है और मेरे को रेंट वसूल करना है वहाँ से। तो देखो, महंगा महंगा प्रॉपर्टी, महंगी प्रॉपर्टी बाय करने का फायदा ये होने वाला है हमको कि हम लोग ना एक साथ ज़्यादा पैसा, हमको डेली का, हमारे जो डेली की इनकम है ना, अभी जैसे 7-8 हज़ार रुपये मान लो, वो हमारी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, यानी स्कॉडा हो, इसका नाम होगा पकौड़ा लिखा हुआ है वहाँ पे। गाड़ी की बेइज्जती करती बिल्कुल ही पकौड़ा। ओल्ड बॉय 97, यार ये मुझे नहीं पता, आप लोग को पता होगा इस गाड़ी का नाम क्या है ओरिजिनल वाला, मिलता जुलता कुछ होगा ये आप लोग कॉमेंट करके बताना। जैसे इसका नाम है BMW, तो ये BMW गाड़ी है, इसका नाम इन्होंने DMW कर दिया। ये पता नहीं क्या क्या नाम है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। ओल्ड बॉय, मुझे इतने गाड़ियों के नाम नहीं पता, तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी ये अपना छोटा हाथी है, अभी हम लोग फ्यूल कितना एक बार चेक कर रहा हूँ, फ्यूल वैसे है काफ़ी सारा। तो हम लोग पहले तो रेंट लेने चलते हैं, रेस ओपन है यार, रेस एक बार मैं देख के आ रहा हूँ कि रेस का क्या हिसाब किताब है। रेस ओपन है मतलब हम लोग रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। घोड़ों की रेस है या नहीं, नहीं नहीं नहीं, आगे है, आगे आगे मुझे लग रहा है गाड़ी की रेस होगी। और अपना छोटा हाथी लेके मैं तो कभी भी नहीं जीतने वाला, तो मैं जाने भी नहीं वाला इसको लेके रेस करने के लिए, मतलब सोच भी नहीं सकते ना यार, आप ऐसी गाड़ी को लेके जो ढंग से अपने चार पैरों पर चल नहीं पा रही, उसको लेके आप कैसे रेस करोगे यार। एक बार यहाँ पे देख के आ रहा हूँ, अगर इनके पास भी छोटा हाथी हुआ डेफिनेटली मैं रेस करने वाला हूँ, बट मुझे लग तो नहीं रहा। इनके पास तो वो गाड़ी है जिस पर लाइव एनिमेशन चल रहा है, बहुत तगड़ी वाली गाड़ी यार, कौन सी गाड़ी है ये नहीं पता, बट बहुत सही गाड़ी है। और यहाँ पर सीट्स बनी हुई है प्रॉपर तरीके से लोगों के बैठने की, और यहाँ पे ये लड़की इससे बात बात कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता क्योंकि मैं हार जाऊंगा, मैं बेवकूफ़ी नहीं करना चाह रहा। बहुत लंबा ट्रैक तो नहीं, आई थिंक कितना छोटा है, मतलब थोड़ा बहुत होगा, बट यार अभी ना अपने पास गाड़ी नहीं है,
तो उसके लिए अपने को मेहनत करनी है, इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अभी, मेहनत मतलब वेट कर रहा हूँ इंतजार यही हमारी मेहनत अभी के लिए। यार देखो कितना सही लोग है ना, कितने दूर गाड़ी रोक ली, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपका के खड़ी हो गई वहाँ पर गाली वाली दे रहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, ये वाली गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ बट इसको खरीदने का कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं मुझे, इसलिए मैं इसको अवॉइड ही कर रहा हूँ। अभी हम लोग इस साइड से चलते क्योंकि यहाँ से ना इजी पड़ेगा हाउस तक पहुंचने के लिए। मेरे को ना लैंड भी बाई करनी है ताकि वहां से हमको ज्यादा रेंट मिल सके, है ना, वो सब चीजें करनी है। बट आज अपने को सबसे बड़ा वाला घर खरीदना है, 60,000-70,000 डॉलर कितने का भी होगा उसको खरीदने की कोशिश करूंगा। अब या तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि बिल्कुल ही कुछ काम ना करें, सिर्फ रोज किराए वसूल करने आ जाए यहाँ पर मुंह उठा के और पैसे जो हो उसके बाद हम लोग वो काम करें, या फिर हम लोग ये काम कर सकते। एक सेकंड, ओहो मेरे पास दो घर है रेंट के लिए लेकिन किराया सिर्फ एक बंदा क्यों दे रहा है, ये क्या सिस्टम है यार, 6,000 डॉलर इस ये बंदा दे रहा है मुझे, दूसरा वाला कहाँ पे देगा मेरे को। चल इसने मेरे को 6,000 डॉलर दे दिए, दूसरे का क्यों नहीं आ रहा, ये क्या बात है। एक सेकंड, ये है मेरा कैमडन टाउन, इसी में आगे बढ़ के आएगा, आना चाहिए यार। रूम नंबर 25, 27, 26, एक सेकंड कहाँ चले गया हो, यहाँ कहीं पे है क्या, आई थिंक यहाँ भी हो सकता है, हाँ यहाँ हो सकता है, बट इतना दूर तो नहीं था वो वाला घर मेरा। चेक करके आ रहा मेरे को ना, मार्क बना हुआ नहीं आ रहा मेरे को, उसकी टेंशन हो रही सबसे ज्यादा। मैंने तो खरीद के लगा तो लिया था ना रेंट पे, लगा ही नहीं था मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ध्यान नहीं है, बट कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अभी अभी भी मौका है, हम लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसको रेंट पे लगाऊंगा और हो सकेगा तो एक प्रॉपर्टी बाई करूं, या फिर आज एक 20,000 की रेंज की प्रॉपर्टी बाई कर सकता हूं। तो 27 ये है, मैंने ना इसको, मेरे को एक बार इसके रेट देखने, मैंने इसको फर्नीचर वगैरह तो डाला था, हाँ अब ये गंदा कैसे हो गया यार अभी, ओके, ये गंदा गाइस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ना अभी कोई रह नहीं रहा, जैसे यहाँ पर कोई किराएदार रहने लगेगा तो फिर ये गंदा नहीं होगा क्योंकि वो बंदा क्लीन करेगा इसको। तो अभी अपनी इसकी वैल्यू खत्म हो रखी है, मेरे को इसको बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर जो भी गंदगी है मैं साफ़ कर रहा हूँ। ये गंदगी कैसे आ गई, लेकिन पड़ोसी फेंक रहे होंगे फिर और क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने तो यार क्लियर किया था और अभी एक ही दिन हो रहा है कि एक ही दिन में पड़ोसियों ने यहाँ पर, मतलब लोग मुझसे चिढ़ने लग गए, मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ क्या, पता नहीं क्यों, खैर कोई बात नहीं, होगा फिर ऐसे ही। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, क्लीन कर लिया ना मैंने, दीवारें भी गंदी हो गई है कि दीवार में किसी ने पीक वीक तो नहीं खाया, बॉलीवुड स्टार तो नहीं आया यहाँ पे, ये पान खा के थूक दिया दीवारों में यार, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले एडवर्टीजमेंट करते हैं इसका, यहाँ पे हाउस नंबर 27, इसकी वैल्यू मुझे नहीं दिखा रहा, मुझे लग रहा है कि अंदर जाके इसकी वैल्यू मेरे को शायद दिखाएगा, 3768, तो मैं इसको 4,000 या 4,500 तक डालता हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव में चले जाएगा बट कोई बात नहीं, 4500 एक्सपेंसिव को टच कर रहा हल्का सा, 4300 आई थिंक ये एकदम सही है, ओके लगा दिया। अब जाके हम लोग देखेंगे कि जैसे ही कोई बंदा आएगा हम उसको अपना घर बेच देंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ऑलराइट, तो अपना ऑफिस मैंने खोल लिया है और अभी हम लोगों ने इंटीरियर का कोई काम नहीं कर रखा है, यहाँ पर मैंने अपना एडवर्टीजमेंट तो लगा लिया, अभी यहाँ पे ये मैंने रख रखा है। अब देखो कितने देर में लोग आते हैं और ये क्या चीज़ है, मेरे को लग रहा है गाड़ी वाड़ी, ओके कोई मरा होगा तो उसकी यहाँ पे इन्होंने गाड़ी वाड़ी भी सब इसी एक साथ डाल दी, सही है, ठीक है, अच्छी बात है। रात हो गई, मुझे लग रहा है रात में तो गाई कोई कस्टमर नहीं आने वाला यहाँ पे, हम लोग सोने के लिए चलते हैं, कल सुबह उठ के मैं अपनी वाइफ से थोड़े पैसे भी मांगूंगा और उसके बाद वापस काम पर लग जाएंगे, मतलब हमको अपना घर रेंट पर चढ़ाना ये वाला। ओके मैं वापस से पैसे मांग रहा हूँ, $355 मैंने यहाँ से मांग लिए, तो हमारा आज का बीड़ी सिगरेट का जुगाड़ निकल गया। अब जाके हम लोग सबसे पहले तो रेंट लेने वाले, उससे पहले यार कस्टमर क्यों नहीं आ रहे मेरी वो घर खरीदने के लिए, मतलब घर रेंट पे लेने के लिए। चले मैंने ऑफिस तो ओपन कर रखा है, अभी देखो कितनी देर में कस्टमर्स आएंगे यहाँ पे। यार कस्टमर ना यहीं से आते हैं, मेरे को गाड़ी थोड़ी सी अपनी आगे लगानी पड़ेगी, फ्यूल भी ऐसे ख़त्म होने वाला है तो फ्यूल डला देते हैं गाड़ी में। तो बहुत देर हो गई और कोई भी ना कस्टमर नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा सा महंगा हो गया, हमको थोड़े से रेट इसके सस्ते करने चाहिए, तो मैं वही अभी करने वाला हूँ। मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, मैं इसको ना 4,000 में डाल रहा हूँ, तो 4,000 सही है, हमारा अच्छा खासा काम हो जाएगा, 4,000, ओके एकदम परफेक्ट जगह पे जाके रुका है, यानी कि ज्यादा महंगा भी नहीं और ज्यादा सस्ता भी नहीं है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। प्रॉपर्टीज का पी नीचे को टपक रहा है क्या, इसको मेरे को फिक्स करना होगा यार, यहाँ पे तो ऐसा दिखा रहा है, टेक्स्ट साइज में थोड़ा सा छोटा करता हूँ, $100 और खर्च हुए यार, चलो कोई बात नहीं। एक कस्टमर आ रखा है, बस यही कस्टमर हमारा आखिरी हो, मतलब ये इसको पसंद आ जाए, देखते हैं कि क्या बोलता है। आई वॉन्ट टू रेंट द हाउस इन एडवर्टीजमेंट फॉर 24 days, द हाउस इन रेंट एडवर्टीजमेंट Has 1+1 room, rent amounts at 4,000. देखते हैं अब ये क्या बोलता है। Don't you think this is a little high, bro? Whatever, I trust you. I accept this offer. यही तो चाहिए था अपने को, और क्या चाहिए, ये लो। अब ये थोड़ा सा देर में आ गया बट कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया। मतलब कह रहे कि थोड़ा सा महंगा नहीं है मतलब, लेकिन फिर उसको पसंद भी आ गया क्योंकि सफाई कर रखी थी और सारा फर्नीचर रख रखा था उसके काम का। अगली बार से एक बीड़ी का बंडल रख दूंगा, तो कोई अगर होगा उसको और ज्यादा पसंद आ जाएगा। देखो ऑफर हमको कैसे भी करके अपने कस्टमर्स को लुभाना है, वो कैसे भी करके हमारे पास आए और खरीदे यहाँ से चीजें।
फिलहाल हम लोग रेंट लेने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास $15,000 आई थिंक हो जाएंगे 15 के अराउंड। अब 15 में हम लोग क्या कर पाएंगे तो देख के पता चलेगा बाद में, बट ट्राई करूंगा कि अभी रुक जाऊं आज का दिन, कल हमारा रेंट आएगा वापस से तो हमारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, है ना। यही कर सकते हैं हम लोग, अभी रुकने का ही काम कर सकते हैं क्योंकि घर खरीदो फिर फर्नीचर बाय करने का बवाल रहता है, तो मैं अभी वो नहीं करना चाह रहा हूं। ओके, तो यहां से हम लोग बाय कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये काम भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक 15,000 तक की प्रॉपर्टी बाय करते हैं जिसका 4,000 तक रेंट आए, 3,000-4,000, तो हमारे पास एक साथ ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। बट ठीक है ना, अभी मैं इतना वो नहीं जा रहा हूँ, फिर हमारे उतना जितना हम दो दिन में वसूल करेंगे, यानी कि हम लोग 15,000 की प्रॉपर्टी अगर हम लोग 3,000 में रेंट में लगाते हैं तो 4-5 दिन तो रेंट उतना पैसे नहीं, यार मैं ये नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं बस इंतज़ार करूँगा इनका। और हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग ना फर्नीचर मार्केट चलते हैं, वहां से फर्नीचर बाय कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम घर लेंगे तो घर की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग फर्नीचर तो पक्का डेफिनेटली उसमें रखने वाले हैं। एक बार चेक कर लेता हूं फिर भी कि ये घर कितने क्या रेट है इसका, $25,000 का है, नहीं नहीं हमारे बजट के बाहर है। मैं एक बार ना ये भी देखने वाला हूं कि जो बड़े बड़े घर हैं उनके क्या रेट है, बट 50,000 से तो ऊपर ही होगा यार, 50,000 से ऊपर अपने को पैसा चाहिए। अब इतना पैसा कमाने के लिए हमको मेहनत बहुत लगने वाली यार, क्या करा जाए मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हिसाब किताब होता है इसका। ये तो लेकिन महंगा है ना काफी, 18,900 का है। अगर हम इसको सेल, यार इसका मुझे नहीं पता, ये मैं अभी इस पे पैसे अपने वेस्ट नहीं करने वाला, मतलब वेस्ट नहीं कह सकते, अपना पैसा नहीं लगाने वाला क्योंकि मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है। मतलब रियल लाइफ में देखा जाए तो इसको मैं बाय करूंगा या तो मैं यहाँ पर घर बनाऊंगा या फिर मैं प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखूंगा, उसके बाद सेल कर दूंगा हायर रेट में। अब इतना होल्ड करने का अपने पास टाइम नहीं है जब अपने को रेंट मिल रहा है डेली का 17,000, ये हमारी एक परफेक्ट प्रॉपर्टी है। मेरा मन तो नहीं था बट मैं सोच रहा हूँ कि उसको ले लूं, अगर ये मेरे को 15,000 में दे देती है तो हम लोग इसकी वैल्यू बढ़ा नहीं पाएंगे। 15,000 में लग तो नहीं रहा मुझे, ये दे देगी 16-17, नहीं यार 2,000 रुपए कम नहीं कर सकती, 15,200 डाल रखा है रेट मैंने, इससे ज्यादा हमारे पास पैसे भी नहीं है। $1 मेरे को अपने लिए भी तो चाहिए यार। गुड डे, ठीक है चलो जाओ यहाँ से, हमारे लिए नहीं था वो, महंगा था। अब हम चल रहे हैं फर्नीचर बाय करेंगे और कुछ नहीं, चलिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे फर्नीचर मार्केट में, और यहाँ लोगों के घर बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बना रखे हैं, तो यहाँ पर हम फर्नीचर मार्केट में जाके अपना पुराना फर्नीचर भी सेल कर सकते हैं, बट अपने पास पुराना तो है ही नहीं ना। बस 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 चलिए यहाँ पर रोकते हैं इसको और कुछ फर्नीचर बाय करते हैं फटाफट से। और गाइस, तो यहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सामान बाय कर लिया है, अभी मैं सारा का सारा जो सामान है अपनी गाड़ी में लोड कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उसके अलावा ये भी मैंने बाय करी हुई है, ये भी है क्या? ओ कितना सारा सामान मैंने खरीद रखा है यहाँ पे, एक ये है इसको भी रख लेते हैं, और आई थिंक अब नहीं है इसके अलावा। चलिए बहुत सारा सामान एक बार देखता हूँ कि कितना, ऑलमोस्ट हम लोगों ने भर लिया, एक ही यहाँ पे इन्वेंट्री का जो स्लॉट है मेरे कार के कैरियर का वो खाली है, उसके अलावा सब कुछ हो चुका है। चलिए अभी हम सही जगह में जा रहे हैं ना, आई थिंक नहीं हम लोग गलत जगह जा रहे थे, हमको टर्न करना है यहाँ से, रात हो चुकी है, कल वापस से किराया लेने का टाइम आ चुका है, कल तो दो दो जगह से किराया मिलेगा तो हमको 15,000 के अराउंड किराया कर मिल जाएगा, हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। अभी हम लोग इससे भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा और इंतजार करने पे डायरेक्ट अपनी फाइनल वाली प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। देखते हैं कि कैसा रहता है मेरा प्लान, क्या मुझे सही लगता है। अभी यहाँ पर ऑक्शन नहीं चल रहा है, ऑक्शन पर भी पैसे मैं लगाने नहीं चाह रहा, वैसे लूट भी सकता हूँ मैं तो, अभी गाड़ी में सामान है ना इसको मैं अंदर लगा रहा हूँ, क्या पता कोई रातों रात साफ कर जाए यहाँ से सामान, है ना कुछ भरोसा नहीं कर सकते किसी का। नई जगह पर हम लोग इसको बंद करते हैं और इसको करते हैं वापस यहाँ पर, चले भी चल रहे हैं अंदर सो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ किराए वसूलने ठीक है, ये बहुत सही काम लग रहा है मुझे, रोज सुबह सुबह उठो और सुबह सुबह उठते ही हमको डेली के पैसे मिलते हैं, मतलब ये कौन सा सिस्टम है, ऐसा लग रहा है कि किसी होटल में रहने आ रहा है क्योंकि रोज का किराया लग रहा है इनका इतना महंगा, ऐसा लग रहा है 5-star होटल हो कोई, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाउ हेलो डिड यू प्रिपेयर द रेंट, आई एम पेइंग राइट अवे, दैट्स इट, ओके थैंक यू। चलिए हमारा रेंट हमको मिल चुका है, हमारे पास हो चुके हैं $12,140 जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। अभी मेरे पास 36,000 था ना, अभी तो हम लोग 50,000 तक हमको पहुंचना है यार, 36,000 से हम लोग ने स्टार्ट किया था, अभी उतने भी हमारे पास नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी है बट हम लोगों ने प्रॉफिट तो बहुत जनरेट कर लिया यहाँ से, आई एम पेइंग राइट अवे, दैट्स इट, ओके हमारे पास हो चुका है $18,000। हाँ तो अब क्या करना चाहिए अपने को, एक बार चेक कर रहा हूँ कि अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी बाय कर पाए जिसमें हमको रेंट थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, रूम नंबर 41,000 का, ये हम अभी तो नहीं कर सकते, ये हमारी ड्रीम वाली प्रॉपर्टी में ऐड हो सकता है क्योंकि महंगा है। एक बार इसको देखते हैं, 45, नहीं यार मैंने इससे बड़ा भी एक घर देख रखा है जो बहुत बड़ा था। चलिए अभी तो हम लोग आई थिंक यहाँ से निकल चलते हैं, यहाँ पर और कुछ भी, यहाँ पर एक डॉग दिख रहा है, मैं एक बार रुकता हूँ, क्या गाड़ी वाले रोकेंगे? नहीं, ये तो उड़ा के लेके चल रहे हैं सीधा। A few moments later. तो कैसे हमारे पास $28,000 यहाँ पे हो चुके हैं, मैं वापस से आ रखा हूँ अगले दिन यहाँ पे किराए वसूलने, अभी सिर्फ यही काम चल रहा है क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे सही तरीका यह जल्दी अमीर होने का, अगर मैं इससे प्रॉपर्टी बाय करता हूँ सोचता हूँ कि उससे जो रेंट आएगा उससे हम लोग ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे,
लेकिन उसमें फायदा नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, मुझे अलग अलग दिन इंतजार करना होगा, मतलब जहां हमारा 3 दिन में काम हो रहा है मुझे 5 दिन तक इंतजार करना होगा, तो वो मैं नहीं करने वाला। इसलिए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ और अपना रेंट वसूल रहा हूँ। अभी हमारे $36,000 यहाँ पे $38,000 हो जाएंगे, तो हम लोग इससे अगर अब प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो 10,000 की प्रॉपर्टी उसका वो रेंट में लगेगी, लेकिन हमारे 30,000 लेकिन गायब भी तो हो जाएंगे ना, हमको जीरो से स्टार्ट करना होगा। हम लोग डेली का कितना रेंट वसूलेंगे, 16-18-19 हज़ार रुपये रेंट हमको डेली का मिलेगा, तो फिर हमको अगले 3-4 दिन और वेट करना पड़ेगा वापस से 50,000 तक पहुंचने के लिए। वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा। फिलहाल हम लोग एक काम ये करने वाले हैं यहाँ पे कि हम लोग जब आ ही रखे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आसपास एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी बिल्डिंग हो, कोई ऐसा घर हो, जैसे कि ये बहुत बड़ा घर है, अगर मैं इसको रेंट पर लेना चाह रहा हूँ तो कितने तक का हमको मिल सकता है, मैं वो बस चेक करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे महंगी वाली प्रॉपर्टी हम अगर ले पाए तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कि कितने का हो रहा है। $52,000 मुझे लगता है कि ये सबसे महंगी है, हमको 50,000 में आराम से मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पर जो बाकी घर है वो तो छोटे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता है कि 52,000 सबसे महंगा मुझे लग रहा है। ये 16,000 का घर है। उसके अलावा यहाँ पे आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे को दिख तो नहीं रहा आगे कुछ, आई थिंक उस वाली रोड में है और उस वाली रोड में। हम लोग कहाँ पे हैं अभी? हम लोग यहाँ पे हैं, हमको इधर से घूम के यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बस इतनी सी है, हम दो तो देख के आ चुके हैं ना, इस राउंड मार के इधर से होके आते हैं जल्दी से। एक ये भी है यहाँ पे, अभी हम लोग कौन सी जगह पे हैं, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये भी $26,000 की है, सस्ती सी है, थोड़ा सा ठीक ठाक सा घर है, बड़ा नहीं है। वही सबसे बड़ा घर था मुझे लग रहा है कि इस जगह का, जैसे ये बहुत बड़ा घर है लेकिन ये ऑलरेडी आई थिंक अभी रेंट पे, हो सकता है कि हम लोग एक बार इतने सारे घर खरीद लें तो ये भी रेंट पे लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। ये बहुत बड़ा घर है लेकिन ये रेंट पे लगा ही नहीं है, तो इसको हम लोग खरीद नहीं सकते। हम लोग अभी कहाँ पर आ चुके हैं, ओके, हम लोग यहाँ पे कुछ घर यहाँ पे और दो, एक घर ये है, उसके बाद सिर्फ यही वाला घर है जो हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। तो $52,000 हमको इकट्ठे करने, जो कि एक दो दिन में हो जाएंगे आराम से। हमारे पास फर्नीचर भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। ये घर कितने का है? $16,000 का। ये भी हमको नहीं खरीदना। दो घर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ये भी छोटे से ही हैं, तो 52,000 वाला सबसे महंगा होने वाला है। ये तो बहुत सस्ता है, मुझे लग रहा है कि रोज शायद चेंज हो रहे अलग अलग घर $27,000 का। और अब जाके हम लोग आखिरी वाला जो घर है वही हम लोग ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से तो चल रहे हैं अपने ऑफिस में, अभी 2:30 बज रहे हैं, हमको थोड़ा सा टाइम और वेट करना, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। खाना पीना मैं खा रहा हूँ, 78% मेरी जो हंगर है वो भी 78% पे है, तो खाना पीना बहुत ज़्यादा खाना पड़ रहा है, मतलब एक बार अच्छा खासा खा लो पेट भर के, उसके बाद से बहुत देर तक खाने की जरूरत है नहीं। फिलहाल इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, प्लास्टिक वाले को प्लास्टिक में डालते हैं यहाँ पे, और एक और बॉटल है इसको भी। चलिए हमारा यहाँ का काम भी हो चुका है, इसको भी फिलहाल मैं बंद ही रख रहा हूँ क्योंकि कुछ तो काम है नहीं ना यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं, यहाँ से एक बार गाड़ी देख के आ रहा हूँ कि क्या कोई नई गाड़ी आई क्या यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता मेल वेल आया था क्या? मैंने मेल नोटिस नहीं किया कि कोई आया था। आई थिंक आ रखी, कोई तो गाड़ी आ रखी है यहाँ पे। ओके, एक BMW E14 दिखा रहा है, एक BMW 3 दिखा रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि Porsche GT है। तो यार ये गाड़ी मेरे को बहुत पसंद आ रही है, बट इसका रेट कितना है? इसका रेट है $144,000। बहुत बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, हमको कमाने पड़ेंगे उतने। The next morning. आज हम लोग फाइनली चलने वाले हैं, पहले तो किराया वसूल लेते हैं। मेरी गाड़ी किधर? ओके, मेरी गाड़ी अंदर है, तो देख रहा हूँ कि मैं यहाँ से रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है, क्यों नहीं करेगा यार, गेम का कोड डला हुआ है, कोई रिमोट ढंग से रिमोट थोड़ा काम कर रहा है इसमें। तो इसको हटाते हैं अभी, और बल्कि हम अच्छा चल ठीक है ठीक है। यहाँ पर ना मुझे डॉग का वो हाउस बाय करने का ऑप्शन भी आ रहा है, अब उसको हाउस को बाय करके $500 का हम लोग अगर देखेंगे कि आज की प्रॉपर्टी बाय करने के बाद अगर हमारे पास पैसे बचते हैं, जो कि डेफिनेटली बचेंगे, तो हम लोग इसको पक्का डॉग का हाउस बाय करने वाले हैं और डॉग वगैरह भी टेम कर लेंगे। ओ शिट, नहीं 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 नहीं, ये क्या है यार, मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना है, मैं क्या करूं बताओ, किसके घर चोरी करूं? कितने की है लैम्बोर्गिनी? $216,000 की। यार मेरे को लैम्बोर्गिनी चलाने का मन कर रहा है, ये कितनी ज़्यादा सही लग रही है यार, कितना सही। ये लाइव एनिमेशन का मुझे चक्कर समझ नहीं आया कि क्या लाइव एनिमेशन का है। अंदर की सीट वीट देखो कितनी सही लग रही है यार ये। अब देखो वहाँ कार फॉर सेल में लैम्बोर्गिनी कितनी पुरानी वाली दे रखी है ना उन लोगों ने, ये कितनी सही लग रही है ये देखो। ये कौन सा है? वोक्सवैगन MK डॉग वैगन, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो ऑल्टो 800 लग रही है मुझे। VW MK3 सस्ती कार है, कितने की है? नहीं 72,000 की है, मेरे बस की बात नहीं इसको खरीदना अभी फिलहाल। तो हम लोग चल रहे हैं सीधे कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग चल रहे हैं सीधे पहले रेंट लेने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे वो 52,000 वाली प्रॉपर्टी बाय करना। एक बार मुझे एक चीज़ चेक करनी है। ओके, रोज यहाँ देखो कल के दिन में यहाँ पर रेंट के लिए प्रॉपर्टी ज़्यादा थी और यहाँ पर दो मकान थे, उसके बाद एक यहाँ पर था,
आज इस साइड को ज्यादा हो गए और ये वाला एरिया महंगा है, तो इसका मतलब यह है कि हमको आज थोड़ा महंगा वाला कोई घर मिल जाएगा। मैं किधर जा रहा था, यहाँ कहाँ से पहुंच गया मैं? ठीक है तो रोज ना यहाँ पर चेंज हो रही है, जो कि अच्छी बात है। मतलब मैं ये सोच रहा था वरना कि अगर हम लोगों ने घर खरीद लिया, ठीक है, हम लोगों ने सारे खरीद लिए तो क्या उसके बाद गेम एंड हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। हम लोग के पास रोज अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। अब मैं घर का साइज देख के जाऊंगा, बट पहले हमको रेंट तो लेना ही है ना वहाँ से, तो रेंट लेके आता है। यहाँ पे एक जो 50,000 वाला 52,000 वाला घर था ना, जो आपको इधर कहीं पर दिख रहा था, ये वाला एक घर एक बार मैं देख के आ रहा हूँ कितने का है जो इनके पास है यहाँ पे। 18,000 का है, नहीं, वो मुझे लग रहा है कि लग गया, वो शायद ये वाला था या कहीं तो था, वो हट गया आज, मतलब आ गए होंगे ना। ज़रूर थोड़ा ना कि मैं ही यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर, और भी लोग हैं यहाँ पे, तो ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अभी हमको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ओके चले जल्दी से यहाँ से हम लोग लेते हैं रेंट और $4,000। चलिए अभी तक तो ये लोग मेरे को प्रॉपर तरीके से रेंट पे कर रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं खुश हूँ अपने जो किराएदार हैं और अभी तक प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। अगर इनकेस कुछ गड़बड़ होती है तो हमको फिर उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कोर्ट वोट जाने का सिस्टम होगा, पता नहीं क्या सिस्टम है इसमें, कुछ तो ऑप्शन है कोर्ट वोट वाला। अभी तक तो सब लोग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से पे, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन आ तो रहा था स्टार्टिंग में मैसेज कि ये लोग ऐसा करेंगे, इसका मतलब ये कि करेंगे ये लोग पक्का। तो हम लोग पहले तो चलते हैं आगे आगे, एक या दो प्रॉपर्टियाँ उसको देख के आते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है इस वाले एरिया में। अब यहाँ पर ना दो घर हैं, ये वाला घर महंगा हो सकता है, इसमें गैरेज भी है। अभी तक किसी भी घर में गैरेज नहीं है। $65,000 का, ओके यार, ये $65,000 का तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा घर। मैं अपने थोड़ी वाइफ से पैसे मांग के आऊँ क्या यार? उसके पास भी क्या $500 होंगे, 43। नहीं, खरीदेंगे तो हम लोग महंगा वाला खरीदेंगे, उस दिन का सबसे महंगा। तो मुझे लग रहा है ना आज और हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, कल हम लोग खरीद सकते हैं। अगर डेली यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए छोड़ो, अभी मैं घर जा रहा हूँ सोने के लिए वापस से, क्योंकि हम फर्नीचर लेके घूम रहे हैं, हमको घर नहीं मिल रहा है। ऐसा ही कुछ घर है इतना ही बड़ा। अब अगर ये वाला घर होगा तो बहुत सही हो जाएगा, मेरा रेंट लेने के लिए सही जाएगा। मैं तो रात में नींद में भी यहाँ पर आ जाऊँगा रेंट लेने के लिए। तो ये बहुत सही एरिया में था, बट अभी नहीं है, कल देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। फिलहाल अभी आज टाइम कितना हो रहा है, 4:25। ये लो टाइम भी हो चुका है सोने का, तो हम लोग सो रहे। सामने एक्सीडेंट हुआ है कि ये क्या हुआ है सामने? मुझे ऐसे ही लग रहा है एक्सीडेंट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी सो रहे हैं। आई होप कि मेरा सामान कोई चोरी करके ना लेके जाए, क्योंकि अगर लेके चले गया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मेरी वाइफ ना भाग रही थी सुबह मुझसे मुंह चुरा के, तो मैं पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अब इससे ना कुछ पूछता हूँ मैं, ठीक है? कैन यू गिव मी सम मनी, मतलब यही पूछता हूँ मैं। अरे $1,000 दे दिए इसने, अच्छी बात है, क्योंकि जब जब ये मेरे को पैसे दे रही है, मेरे को अच्छी प्रॉपर्टीज मिल रही है, तो इसीलिए मैं मांग रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं कंजूस, मतलब पैसे मांगते फिर रहा हूँ, भिखारी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसके दिए हुए पैसे शुभ होते हैं, अच्छी जगह पर खर्च होता है। इसलिए अगर मैंने अपने पैसे लगाए होते ना, अभी तक मैं दारू के ठेके खरीद रहा होता या फिर वहीं पड़ा हुआ रहता, बट उससे मैं पैसे ले रहा हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर्टी बाय कर पा रहा हूँ। फिलहाल हम लोग आज चल रहे हैं। अब आज का प्रॉपर्टी का क्या हिसाब किताब है, आज फिर से चेंज हो चुका है, तो देखते हैं कि आज अपने को कितने की मिलती है। आई होप कि यार अब ऐसा ना हो कि आज मुझे 70,000 की मिल जाए, मतलब कि रोज मैं खरीदने जा रहा हूँ और मेरे को मिली नहीं रही प्रॉपर्टी। मैं बस ना अच्छी प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूँ, तो एक बार हम लोग इधर चल रहे हैं। आई थिंक यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इधर एक है ये वहाँ पे, ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे, बट मैं पहले वो 62,000 वाला देख के आने वाला हूँ कि वो गैरेज के साथ वो है अभी अवेलेबल या नहीं है। ओके, हमारे पास हो चुका है 64, अभी हम आराम से 64। उसके बाद 3,000 शायद यहाँ से मिलते हैं, 2 मिलते हैं, मुझे ध्यान भी नहीं है। मुझे 6,000 वाला याद है, ये याद नहीं, क्योंकि कम पैसे देता है ना, 4,000 देता है यार, कम नहीं देता। डिड यू प्रिपेयर? आई एम रेडी टू पे द रेंट, हियर इट इज़। ओके थैंक यू। तो चलिए हमारा हो चुका है काम कंप्लीट और $68,000 हमारे पास हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। बट मैं देख रहा हूँ कि अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी, ड्रीम गर्ल तो मेरे को अपनी बहुत दिख रही है यहाँ पर, लेकिन मेरे को चाहिए ड्रीम प्रॉपर्टी। आई थिंक ये भी अपनी ड्रीम प्रॉपर्टी हो सकती है, एक बार चेक करते हैं। उतरो गाड़ी से और फट से। ये बंदा 62,000 का दे रहा है, सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है, बट इसमें गैरेज नहीं है यार। अब मेरे जो किराएदार यहाँ पर रहने को आ रहे हैं, उनको गैरेज भी तो चाहिए होगा ना यार, फैसिलिटीज़ भी तो देखनी है, हमको स्पेस से क्या करना है खाली, है ना, ये भी देखना है। तो एक बार देख के आते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमको वही वाली लेनी पड़ेगी फिर हमको। फिलहाल अभी हमको खुद रहना होता तो मैं इतना ज़्यादा सोचता, मुझे खुद नहीं रहना, मुझे तो बस रेंट पर चढ़ाना है वापस से उसको। यहाँ कोई प्रॉपर्टी है इसके अंदर को? बस स्टेशन के बगल में कोई नहीं है प्रॉपर्टी यार, यहाँ को ना कोई भी नहीं है। वो 60, ओ ये है तो, एक सेकंड, ये वही गैरेज वाली है क्या? आई होप कि ये वही वाली, नहीं वो नहीं है। हम लोग तो इससे बाहर निकल गए, कितना टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं।
क्या हमको कल इंतजार करना चाहिए अच्छी प्रॉपर्टी का, या फिर देखो पैसे तो उतना ही है ना उसके भी, तो हमको पैसे से मतलब रखना चाहिए, मैं खरीद रहा हूँ वही वाली प्रॉपर्टी। हम लोग आज जब उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे रेंट पे चढ़ाएंगे तब जाके ही तो हम लोग कल उससे वो कर पाएंगे ना पैसे वसूली। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कौन सा प्रॉपर्टी थी वो, कौन सी, ये नहीं, इतना छोटा सा नीचे मुझे, कहाँ गया यार वो बंदा, ये है ये है ये, ओके ओके ओके। खैर ठीक है, यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत खाली स्पेस है यार, ऐसा कुछ नहीं, बहुत जगह है, हो सकता है कि एक सेकंड मैं देख के आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जगह है यहाँ पीछे, ये देखो यहाँ पे आराम से गाड़ी का यहाँ पे पूरे डंपर खड़े हो सकते हैं, ट्रक खड़े हो सकते हैं, बहुत सारा सामान रेता वेता सब खड़ा कर सकता है यहाँ पे, दूसरे लोगों का भी है ना, बहुत जगह है। एक छोटे से पार्किंग लॉट के लिए हमको कोई दिक्कत वाली बात होनी नीचे। दिस इज टू बी ऑनेस्ट दैट प्राइस, ओके अब मैं इसको अपना ऑफर दे रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ 59, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा हम लोग कम नहीं करा सकते। ओ $59,000 की हमको प्रॉपर्टी मिल चुकी है। अब इसको साफ करने में तो मेरे यार हालत खराब हो जाएगी, फटाफट से जो भी बॉटल वगैरह है वो देखो, कितनी बड़ी है प्रॉपर्टी यार, कितना बड़ा एरिया है यहाँ पर, खाली स्पेस देखो, ये देखो पूरा नीचे का लॉबी एरिया, लॉबी हो गया जो भी है, लॉबी ड्रॉइंग रूम जो भी बनाओ इसको, ये बन गया। ओ एक और फ्लोर है, अरे वाह यार ये बहुत अच्छा घर है, मतलब ये देखो कितने रूम है इसमें, पूरे सीक्रेट रूम यहाँ पे, और सीक्रेट रूम में सीक्रेट यहाँ पर कॉकरोच वगैरह घूम रहे हैं, इनको पहले में भगाओ यहाँ से। इंसेक्टिसाइड है मेरे पास, ये इंसेक्टिसाइड ना ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा है यार, देखो इतना डालने के बाद भी ये मर नहीं रहे, अब मरेंगे अब खत्म हो रहा है, ओके तो पहले इसी को लेके चल रहा हूँ मैं। यहाँ तो दीवारें सबकी सब साफ है, कितना नीचे, तीन फ्लोर का, मेरे को नहीं पता था कि तीन फ्लोर का घर है। गंदगी है, चलिए गंदगी है यहाँ पर, मेरे को साफ करना पड़ेगा स्पॉन्ज से, तो हम लोग इसको क्लीन करते हैं और प्रॉपर तरीके से क्लीन हो सकता है। चलिए यहाँ पे क्लीन हो चुका है और यहाँ तो ऑलरेडी क्लीन है, बहुत अच्छा घर लग रहा है, यहाँ पर काफी कुछ फर्नीचर आ सकता है, बट हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ ना अभी क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, हम लोग अपना फर्नीचर यहाँ पे पटक के चले जाए तब भी घर की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो जो बंदा आएगा अपने हिसाब से लगा लेगा ना, हमको फर्नीचर की फैसिलिटी देने से मतलब है, हमको लगा के नहीं देना उसको कि किधर लगाना है। चलिए इसकी वैल्यू हो चुकी है $10,890 रोज का हमको किराया आएगा, बट मैं गाड़ी, ओके मुझे लगा कि मैं गाड़ी छोड़ के आ चुका हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं गाड़ी लेके आ रखा हूँ यार, मैं वही सोचू मैं गाड़ी लेके आता घर से, आधे रास्ते से गाड़ी कैसे गायब होगी मेरी। हम लोग पहले यहाँ से लेते हैं बेड, अब यार देखो बेड किधर लगाऊं मैं इतना बड़ा घर में, बेड मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है बहुत बड़ा घर है ऊपर लगाना चाहिए वैसे बेड तो, बट यार मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ विंडो के पास लगा रहा हूँ, मेरे को ये सही लग रहा है, ठीक है अच्छी जगह पे, ऊपर उतना कौन जाएगा सोने के लिए, अभी गाड़ी में नहीं बैठना मुझे यार। हम लोग ले रहे हैं यहाँ से एक साइड टेबल में लेके आया था कुछ, एक एक करके सामान ले जाना ये बहुत बेकार चीज मेरे को लगती है, चलेगा। चलिए जल्दी से जो बाकी का फर्नीचर है ना वो मैं रख रहा हूँ, अबे यार मैं बार बार गाड़ी में क्यों बैठ जाता हूँ। हमको रखना एक प्लांट यहाँ पे बेडरूम में, प्लांट तो देखो हम लोग ना यहाँ पे भी रख सकते हैं, एक ये रखते हैं, अरे यार मैंने इस साइड को गाड़ी लगा रखी इसलिए सारी दिक्कत आ रही, अब देखो ये एक ये वाला प्लांट मैं लगाता हूँ यहाँ पे सीढ़ियों के पास, आई थिंक यहाँ पे सही लगेगा। के बाद एक फ्रिज है, अब फ्रिज के लिए हमको ना किचन कहाँ पे होना चाहिए यार, किचन का तो कुछ सेंस ऊपर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं सेंस हर जगह बन जाता है, बनाना आना चाहिए सेंस है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पर रखते हैं किचन, यहाँ पर हमारा आ जाएगा फ्रिज, तो फ्रिज ये वाला है इसको खरीद लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लगाते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन में सोच रहा हूँ कि यार वॉशिंग मशीन वाला रूम किधर होगा, कहाँ पर कर सकते हैं ये हमारा बना सकते हैं इस वाले को। इस घर में ना कहीं पर भी मतलब या तो इतने बड़े बाथरूम होते हैं कि मुझे ही बड़े लग रहे हैं, या फिर बाथरूम वाली मतलब इन्होंने रैंडमली दीवार ने लगा दी बस घर बना दिया। अब हमारे पास एक ये है, अब किचन किधर बनाया था किचन नीचे हो सकता है ना, किचन यहाँ पे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे खुले में होगा ना किचन एकदम सेंटर में। 12,000, ओ इस घर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है बाकी घर के कंपेरिजन से, हम लोग इसमें और भी फर्नीचर रख सकते हैं। वैसे मैं ना अभी सोने जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी फर्नीचर शॉप में जा रहा हूँ, फर्नीचर बाय करता हूँ, उसके बाद हम लोग कल वापस से यहाँ पे आके, कौन सी बॉन्ड स्ट्रीट का घर है ना, कल वापस से हम लोग यहाँ पे आके ना वो करने वाले हैं, बल्कि नहीं फर्नीचर ये मेरे को लेके जाना पड़ेगा यार, मुझे ना गाड़ी यहाँ से लेके चलनी है। हम लोग इसको एडवर्टीजमेंट इसका बाद में करेंगे, पहले ना फर्नीचर 45 आइटम इसमें रख सकता हूँ, कल मैं थोड़ा और फर्नीचर बाय करके लेके आने वाला हूँ, तब जाके फिर हम लोग इसको लगाएंगे रेंट पे। अब मुझे घर का रास्ता देखना है कि किधर से है, आई थिंक ये है ओके हाँ प्रॉपर तरीके से अभी हम लोग जा रहे हैं करेक्ट वाली रोड में। ऑलराइट गाइस, तो मैंने काफी कुछ और यहाँ से सामान बाय कर लिया, एक बार मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, हाउस नंबर 11, ओके हाउस नंबर 11 है, मुझे पता नहीं था कि मेरा हाउस नंबर कौन सा है, क्योंकि रोड थोड़ा अलग सी अंदर को जाके थी ना, तो मैंने बहुत सारा सामान बाय कर लिया महंगा। मेरे पास अगर आप लोग देख रहे हो तो $7,577 बचे हुए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से सबसे पहले तो वापस। अभी मैंने पता यहाँ पे मैं रिकॉर्ड उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, निसान GTR देखी मैंने यहाँ पे, मतलब ये लोग कितने अमीर हैं, निसान GTR लेके घूम रहे हैं यहाँ पे यार मैं कब लूंगा, मैं छोटा हाथी लेके घूम रहा हूँ, बट ठीक है अपना छोटा हाथी से काम चल रहा है, अपने को पैसे बनाने से मतलब है, वो लोग पैसा उड़ा रहे हैं फ्यूल में है ना, तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हाउस नंबर 11 13 14, आई थिंक इधर को है ओके, तो यहाँ कहीं पर अपना घर है। मुझे ना पार्किंग ये वाला घर भी पसंद आ रहा था बहुत, ये देखो ये लो यार ये क्या किस्मत है अपनी, एक सेकंड कल तो इसने रेंट पर नहीं लगाया था ये वाला,
हाउस नंबर 11 अपना है, 12 इसका है, 58 का है अभी। हम कोई बात नहीं, एक दो दिन में इसको भी बाय कर लेंगे यार। घर लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब जो डिजाइन बना हुआ है। हाँ थोड़ा अजीब अजीब से चीज़ें बन रही, कुछ कुछ चीज़ों के लिए जगह नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, बट फिर भी जो भी है देखो, एक बेडरूम ये होगा, तो ये अपना स्टोव वगैरह हो गया। मेरे को ऐसा करना ही चाहिए था, इसकी हाइट ना थोड़ी बराबर होनी चाहिए थी, मुझे दो किचन काउंटर टॉप रखने चाहिए थे और बीच में ये होना चाहिए था। तो गैस, क्योंकि खाना तो इसी में पकेगा, तो सेंटर में होता ज़्यादा बेटर लगता। एक रेडियो यहाँ पे सुनने के लिए, और अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 16,643, अभी तक का हमारा सबसे महंगा घर और सबसे बेहतरीन वाला घर। सिनेमैटिक हो गए बहुत पूरे, अभी चलते हैं यहाँ से घर। वेब में चलते हैं, हाउस नंबर 11, इसकी वैल्यू मुझे दिखा तो नहीं रहा, बट मैं 7500 डाल रहा हूँ, 18,000 हमको रेंट आएगा इसका। ओके बहुत सही है, अभी मैं जा रहा हूँ घर सोने के लिए, कल सुबह मिलते हैं। आई होप कि कोई कस्टमर यहाँ पर आ जाए, रात के टाइम तो कोई कस्टमर नहीं आएगा, सुबह ही आएगा जो भी आएगा। एक चीज़ मैंने ये भी अभी नोटिस करी कि हम लोग ना 45,000 तक का लोन ले सकते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है इनकेस अगर आपको लोन लेना हो, है ना। चलिए कल सुबह, अब मैं अगर ऑप्शन आता मैं अपनी बीवी को पैसे दे देता, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो अब हम पैसे मांगेंगे नहीं, अब हम सो रहे, कल सुबह उठेंगे। आई होप कि कोई अच्छा कस्टमर आ जाए और हमारी डील हो जाए जल्दी से। The next morning. तो गाइस अपना जो घर है वो सज चुका है, यहाँ पे मैंने लगा दिया प्रॉपर तरीके से। ये क्या है, प्लास्टिक है। एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से ना उठा के मैं इसको डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कस्टमर्स यहाँ पाए इसको देखने के लिए, है ना। देखो यार ये जगह काफ़ी है, हम अगर यहाँ पर बहुत सारे घर बनाए और रेंट पर लगे ही ना, तब के लिए सही है। मतलब जैसे कार फॉर सेल में होता है ना, कि हम लोग बहुत सारी कार बाय कर लेते हैं, शायद हम लोग बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बंदा इधर से घूम के आ रहा है, वरना यहाँ पर स्पॉन होता है ये लोग। चलिए देखते हैं कि क्या मेरे को ऑफर कर रहा है। डिटेच्ड हाउस है, 5+2 जो भी हिसाब किताब होता है, फर्निश्ड है, गैरेज नहीं है। यार गैरेज होना मुझे लग रहा है कि उससे हमारी जो घर की वैल्यू वो बढ़ती होगी। चलो देखते हैं कि 16,000, अबे नहीं रे 16,000 कहाँ से, 17,500 मैंने बोल रखा है, अब मुझे नहीं लग रहा है। ओके चले जाओ फिर, दूसरा बंदे से उससे बात करता हूँ। ये बंदा यहाँ पर देखो नीचे, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है, जब वो बात कर रहा था उसका आ रहा, अभी इसका आ गया। आई वॉन्ट टू रेंट द हाउस, एक सेकंड, मैंने इसको बोल दिया कि 18,000 में मैंने रेंट पर लगा रखा है। ओ नाइस, इट्स बजट फ्रेंडली फॉर मी। देखो अमीर बंदा आ रखा है, भले इसका नाड़ा लटक रहा है लेकिन वही तो फैशन है आजकल। तो मेरे पास 3 घर हो चुके रेंट। अरे यार एक सेकंड, पहले खाना वाना खा लो, मरवर ना जाओ, मुझे तो पता भी नहीं यहाँ पे। एक डार्क चॉकलेट खा लेते हैं, एक कोक पी लेते हैं, सारा जंक फूड खा रहा हूँ, एक बियर पी लेते हैं। चलिए अभी रोड से उठा के खाना, अब मुझे पहले तो रेंट लेना है, तो हम लोग ना रेंट लेने चल रहे हैं, फिर जाके कल का इंतजार करना होगा। कल मेरे को सब जगह से वसूली करके देखना है कि हमारी डेली की इनकम कितनी है, वाइफ वाला पैसा छोड़ के, उसको हम लोग अभी काउंट नहीं करने वाले, वो तो रैंडम जितना उसका काम चल रहा है उतना वो मेरे को दे देती है। वैसे भी अब मैंने प्रॉमिस किया ना, अब नहीं मांगूंगा मैं, तो एक बार यहाँ पर करते हैं हेज रेंट। ओके तो थैंक यू, हमको रेंट मिल चुका है, 11,000 हमारे पास पैसे हो चुके हैं, और यहाँ पर देखते हैं एक बार। अलग गैस, तो अपना रेंट मैंने ले लिया आज का, अब कल से वो बंदा 18,000 रुपये पे करेगा। अकेला बंदा इतने बड़े घर में रह के कैसे रहेगा, उसको डर नहीं लगेगा, उसको ऊपर सोएगा जो, मतलब यार वो तो डर से वैसे ही डरावना था यार वो घर, जो भी था मेरे को भूतिया सा लगा। फिलहाल हम चल रहे हैं घर और कल सुबह आऊँगे वापस से। फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं जा रहा हूँ अपना सबसे महंगा वाला रेंट लेने के लिए। चलिए हम लोग निकलते हैं, अभी पैदल ही चल रहे हैं। एक हमारा घर कहाँ पे, अलग अलग डायरेक्शन में है क्या, चलिए गाड़ी से चलते हैं फिर। तो गाड़ी को टर्न करते हैं और 9:53 अभी हो रहा टाइम, 16,000 हमारे पास $587 ऑलरेडी हैं, हम लोग उसमें से माइनस करेंगे, देखेंगे कितना रेंट होता है। तो 15,000 इसको मान के चलते हैं हम लोग कि हमारे पास $15,000 है। फ्यूल ख़त्म है, ओके फ्यूल डला रहा हूँ। यार बात करने का ऑप्शन क्यों नहीं आता, इसमें बड़ा झंझट है। तो यहाँ पर करते हैं $100 का हम लोग यहाँ पर ऑयल डला रहे हैं यहाँ पर, अब हमारे पास हो चुका $16,487। चलिए अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा, आज ऑक्शन भी ओपन है बट ऑक्शन में बाय अभी तो नहीं कर रहा हूँ, आके फिर देखता हूँ, पहले हम लोग चल रहे हैं रेंट लेने के लिए। पुलिस की गाड़ी बहुत घूमती है यहाँ पर। यार हॉर्स का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, मतलब घोड़े हैं यहाँ पर लेकिन उनका कोई यूज़ है नहीं, या तो उनको खुला छोड़ देते या फिर रेस वेस कुछ तो होती है यहाँ पर। ओके तो ये अमीर बंदा यहाँ पर तैयार है हमारे रेंट लेने के लिए, रेंट देने को हमको 18,000 का रेंट। आई एम रेडी टू पे द रेंट, हियर इट इज़। ओके तो हमारे पास हो चुके हैं $34,000 सीधे सीधे, ठीक है अब चल रहे हैं हम गाड़ी को लेके दूसरी जगह पे और वहाँ से रेंट वसूलते हैं। ऑलराइट तो ये दो घर से तो मैंने रेंट ले लिया, मुझे ना एक और घर का रेंट लेना था बट मुझे समझ नहीं आ रहा किधर है। आई थिंक वो ये बंदा है ना, नहीं यार ये तो बेचने को, ये नहीं ये भी बेचने को है। यार वो घर कौन सा है, उसका मार्क बना हुआ ना नहीं आ रहा, दो ही घर का आया था मुझे मार्क बना हुआ, इसका नहीं आ रहा है। यार वो बंदा किधर चले गया, रेंट देने वाला मेरा उसी लाइन में तो थे आई थिंक, ये तो दे चुका मेरे को यार रेंट।
उसी लाइन में थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत आ गया हूँ यहाँ पे, मेरे को यहीं पे देखना पड़ेगा। मुझे कोई दिख नहीं रहा और ना ही उसमें रेंट वेंट का आ रहा है वापस से यार। लेकिन 15 दिन कहाँ हुए हैं अभी, इसका क्या मतलब बनता है? एक सेकंड में देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि वापस से वही हुआ है, वो निकल लिया, वो घर वर चला गया हमारे हाथ से। ये देखो वापस से नॉट एडवर्टाइज, तो हम इसको लगाते हैं 6000 का आई थिंक था। हाँ मुझे लग रहा है इसके दिन हो चुके हैं कंप्लीट, तो 6000 में हम लोग इसको वापस से रेंट पर लगा लेते हैं। और हमारे पास हो चुका है $38,000 हमारे पास अभी यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। अभी फिलहाल इससे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताने कि क्या मुझे पैसे इकट्ठे करने चाहिए गाड़ी के लिए, या फिर मुझे और ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि देखो, अगर देखो एकदम से हम लोगों ने मेहनत करके जो जैसे भी करके वेट करके जो भी है हम लोगों ने बड़ी प्रॉपर्टी बाई करी, तो क्या हुआ कि हमको डेली के 18,000 सिर्फ एक घर के रेंट मिल रहा है। तो बहुत सारे घर ना खरीद के अगर हम लोग कम घर खरीदें, महंगे वाले खरीदें, तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यही अभी मेरा गोल होने वाला है। एक हम लोगों ने खरीद लिया, अभी हम लोग पैसे जमा करेंगे, एक और 50-60 का खरीदेंगे, 36,000 सीधे हमारा रेंट निकल जाएगा, जो कि हम लोग उससे नहीं कमा पा रहे थे जो हम लोगों ने पहले घर खरीदे हैं। तो यही फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे एक बंदा आ भी चुका, बल्कि उसको ना हाथों हाथ रेंट पर लगा देता हूँ, जैसे ही खाली हो रहा ना बंदा, दोबारा मेरे को एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, आई वॉन्ट टू रेंट द हाउस इन एडवर्टीजमेंट फॉर 5 डेज। देखो 5 दिन के लिए है यार, अभी क्या करूँ इसका मैं। चलो ठीक है, 5 दिन के बाद वापस मुझे इसको रेंट पर लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी को मैं लगाता हूँ ऑफिस में इसको गैरेज पर खड़ी करता हूँ अंदर लेके जाके। अभी कितने लोग जा रहे हैं, ऐसे 3 गाड़ियाँ एक साथ पास हो सकती है। चलिए मुझे लगता है कि फिलहाल इसी के साथ आज गए एपिसोड में ना, ये खुला कैसे, ये जैसे ही मैं बंद कर रहा हूँ बटन प्रेस हो जा रहा है। लेकिन ठीक है, जो भी आज हमारा दिन बहुत सही रहा, हम लोगों ने इस गेम की अभी तक की सबसे महंगी प्रॉपर्टी बाई करी, उसको रेंट पर चढ़ाया, सबसे महंगा रेंट भी हमको मिल रहा है। हम लोग अब धीरे धीरे करके अमीर हो रहे हैं, हम लोग लैम्बोर्गिनी फरारी जो भी यहाँ पर गाड़ी है पोर्च वोर्च सब लेने वाले हैं। फिलहाल आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलता है हम सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।